देखो इम्यून सिस्टम शुरू कर रहे हैं, नोट्स तो तुम लोगों को भेज दिए हैं, तो इसमें देखो कि सबसे पहले तो इम्यूनिटी दो तरह का है। इम्यूनिटी दो तरह का, एक है बाय बर्थ या इननेट, या इसी को कहते हैं नॉन स्पेसिफिक, और एक है स्पेसिफिक या एक्वायर्ड, जो हम लोग लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं। इसमें देखो इननेट वाले में सबसे पहला है एनाटॉमिकल बैरियर, या इसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। एनाटॉमिकल बैरियर में स्किन हो गया या हेयर हो गया, तुम जानते हो इसके आउटर मोस्ट लेयर में स्ट्रेटम कॉर्नियम होता है ना, जो डेड लेयर ऑफ स्किन है। तो डेड सब्सटेंस पे, डेड सरफेस पे कोई भी पैथोजन ग्रो कैसे करेगा, उसको तो लिविंग सब्सटेंस चाहिए ग्रो करने के लिए ना, तो यहाँ पे ग्रो नहीं कर सकता है, तो इसलिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हुआ। उसी तरह म्यूकस में है कि म्यूकस का नेचर सबसे पहले अल्कलाइन हुआ, तो जो पैथोजन अल्कलाइन मीडियम में ग्रो नहीं कर सकता है वो यहाँ डेथ कर जाएगा। दूसरा क्या है, म्यूकस का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा, यानी कि यहाँ पानी बहुत ही कम है, और बैक्टीरिया जो आया या कोई पैथोजन आया उसके बॉडी में पानी बहुत ज़्यादा, तो पानी ज़्यादा से कम की ओर जाता है, क्या होगा, एक्सोस्मोसिस होगा, बैक्टीरिया सूख जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। दूसरा देखो, इसी को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं एनाटॉमिकल को। सेकेंड है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में देखो बहुत सारा आता है, एक है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल में क्या है, तो देखो सबसे पहला फीवर होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने से तुम जानते हो कि एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन बिकम डबल्स, तो BMR बढ़ा, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा तो ज़्यादा एंजाइम बनेगा, तो मान लो कि लाइटिक एंजाइम बनता है, या मान लो सिंपल हम कहते हैं ट्रिप्सिन ही ज़्यादा बना, पेप्सिन ही ज़्यादा बना, HCl ही ज़्यादा बना, तो ऑब्वियस है वो बैक्टीरिया वगैरह को किल कर देगा, ठीक है। BMR बढ़ेगा मतलब ग्लूकोज में ज़्यादा आग लगेगा, तो उसके लिए ज़्यादा ऑक्सीजन भी चाहिए, ठीक है। तो फीवर होता है तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाता है, तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन देखो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि फीवर होने पे रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्यों बढ़ता है, तो चॉइस में ये रहता है कि बैक्टीरिया जो है वो फीवर करवाता है और उसको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़वा देता है। लेकिन ऐसा नहीं है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ता है इसीलिए क्योंकि एंजाइम प्रोडक्शन या मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाए, ये आदमी खुद करता है, आदमी का बॉडी खुद करता है, तो फिजियोलॉजिकल समझ रहे हो। अब देखो फिजियोलॉजिकल में दूसरा है इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन का खोज कौन किया था वो सब लिखा हुआ है नोट्स में देखना। इसके साथ क्या है कि ये ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होता है, ठीक है। ये करता क्या है देखो, जैसे तुम जैसे जेनेटिक्स में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में देखते होगे, जैसे ये DNA है, तो DNA अपने एक स्ट्रैंड पे RNA बनाता है, ठीक है। RNA जो है DNA के एक स्ट्रैंड पे बनता है, दोनों पे क्यों नहीं बनता है, तो उसका क्या रीज़न देते हैं। जैसे देखो ये DNA है, ये स्ट्रैंड पे मान लो ATCGAT इस तरह का है, तो इस स्ट्रैंड पे क्या होगा, TAGCGTA ऐसे होगा। मान लो ये स्ट्रैंड पे RNA बना, सपोज हम यहाँ से ही दिखा रहे हैं, तो टी का रेसिप्रोकल क्या हो गया, थाइमिन का रेसिप्रोकल एडनिन का रेसिप्रोकल थाइमिन, लेकिन RNA है तो यूरेसिल हो जाएगा। साइटोसिन का ग्वानिन का साइटोसिन, थाइमिन का एडनिन का यूरेसिल, ऐसे बना ये RNA। अब ये स्ट्रैंड पे भी अगर बनता तो देखो ये स्ट्रैंड पे कैसे बनता, मान लो बनता तो ये टी है, तो टी का रिवर्स यहाँ एडनिन, इसका यूरेसिल, इसका साइटोसिन, इसका ग्वानिन, इसका एडनिन, इसका यूरेसिल। जब ये ट्रांसक्रिप्शन हो गया तो ट्रांसक्रिप्शन के बाद DNA चला जाएगा। DNA जब ही जाएगा तो देखो तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये वाले स्ट्रैंड में AUCGAU ये लिखा हुआ है। ये वाले स्ट्रैंड में देखो तो क्या लिखा हुआ है, अरे तो गलती हम लिख दिए है ना जी, यहाँ भी टी और यहाँ भी टी कैसे हो जाएगा, यहाँ टी तो यहाँ ए हो जाएगा ना, यहाँ ए तो यहाँ टी हो जाएगा, ऐसे होगा ना, गलती कर दिए हैं, तो इस तरह से इसको भी सुधार लो, यू और ए है, तो यू ए जी सी यू ए ऐसे हुआ, ये दो स्ट्रैंड RNA का बना। तो देखो ये सब कम्प्लीमेंट्री है तो आपस में एक दूसरे को पकड़ लेगा। अब तुम जानते हो कोडोन जैसे पढ़े हो, तो कोडोन में क्या है, 3 कोड मिलके 1 कोडोन बनाता है, इसी को जीन कहते हैं, यही आगे चल के प्रोटीन बनाता है। लेकिन ये जीन इसके साथ गला मिल गया तो ऑब्वियस है कोई भी काम ये कर पाएगा, इसका हाथ पैर तो ऐसे पकड़ लिया दूसरे को,
तो कोई काम नहीं कर पाएगा। इसी प्रोसेस को कहते हैं आरएनए साइलेंसिंग या जीन साइलेंसिंग। जीन को साइलेंट करना है तो एंटीसेंस आरएनए तुम उसके साथ जोड़ दो, ठीक है। तो इसी के चलते रेप्लिकेट ट्रांसक्रिप्शन सिर्फ एक स्ट्रैंड पे होता है। दोनों स्ट्रैंड पे होगा तो आरएनए जो है वो जीन के काम को इनएक्टिवेट कर देगा, ठीक है। अब देखो कि ये वायरस जो है, वायरस हमारे बॉडी में घुसा तो वायरस क्या किया, सबसे पहले हम लोगों के बॉडी के मैकेनिज्म को यूज करते हुए वो एक स्ट्रैंड पे एमआरएनए बनाया, ठीक है। एक स्ट्रैंड पे एमआरएनए बनने के बाद हम लोगों में क्या होता है, एमआरएनए के पीछे में लास्ट में ये पॉली ए टेल होता है, ये सब हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में पढ़े थे 11th में। लेकिन प्रोकैरियोट में ये पॉली ए टेल्स नहीं होता है, तो यूकैरियोट में अगर पॉली ए टेल्स है तो उसमें क्या होता है, ऐसे करके पॉली ए टेल है, ये राइबोसोम आया इसके साथ अटैच हो गया, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनफॉर्मोसोम, ये बोलते हैं ना। अब क्या है कि प्रोकैरियोट में पॉली ए टेल नहीं है, तो पॉली ए टेल नहीं है तो साइटोप्लाज्मिक एंजाइम से इस आरएनए को ज़्यादा दिक्कत, साइटोप्लाज्मिक एंजाइम इस आरएनए को तुरंत डिसॉल्व कर देगा। इसीलिए इससे बचने के लिए प्रोकैरियोटिक राइबोसोम क्या करता है, एक से ज़्यादा राइबोसोम एक ही बार में एमआरएनए पे अटैच हो जाता है, तो मेनी इनफॉर्मोसोम, उसी को हम लोग नाम देते हैं पॉलीजोम, ठीक है। तो पॉलीजोम बना यहाँ, ठीक है, पॉलीजोम बना। अब देखो कि इसका एसोसिएशन हम दिखाते हैं, ये हुआ राइबोसोम, ठीक है। ये राइबोसोम में हम देखो यहाँ तक का आरएनए को ऐसे करके दिखाए, ये एमआरएनए हुआ, ठीक है। एमआरएनए किस राइबोसोम पे आएगा इसको डिटरमिन्ड कौन करेगा, ये मिथाइलेटेड कैप, सब हम लोग 11th में पढ़े हैं, देखना कॉपी, मिथाइलेटेड कैप, मिथाइलेटेड ग्वानिन इसको कहते हैं। तो मिथाइलेटेड ग्वानिन पहचान लिया कि इसी राइबोसोम में हमको अटैच होना है, ठीक है, तो राइबोसोम को पकड़ लिया। अब राइबोसोम के साथ फ्यूज़ कैसे होगा वो, तो यहाँ पे एक सीक्वेंस होता है, इसको कहते हैं ए डबल जी आग आग, इस सीक्वेंस को कहते हैं, नाम है इसका साइनी डालगार्नो सीक्वेंस, या इसको शॉर्ट फॉर्म में एसडी सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। एसडी सीक्वेंस के हेल्प से एमआरएनए राइबोसोम के साथ स्मॉलर सब यूनिट के साथ फ्यूज करता है, ठीक है। इंटरफेरॉन क्या करता है, इसी एसडी सीक्वेंस के ऊपर जाके बैठ जाएगा, तो इंटरफेरॉन जब इसके ऊपर आके बैठ जाएगा तो ये एमआरएनए एस्टेब्लिश हो पाएगा राइबोसोम के साथ, नहीं हो पाएगा, तो प्रोटीन बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। तो इंटरफेरॉन कैसे वायरल ग्रोथ को रोकता है समझ रहे हो, तो इंटरफेरॉन कैसे काम किया समझ रहे हो ना। अब इसके बाद हम खाली एक तो फिगर में दिखाए हैं, नोट्स में देखना कि इंटरफेरॉन कौन रिलीज करता है, तो वायरस अफेक्टेड सेल, ये तुमको जानना है, ऐसे होता एक्चुअली है कि वायरस अफेक्टेड नेबर सेल प्रोड्यूस इंटरफेरॉन, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा है वायरस अफेक्टेड सेल प्रोड्यूस इंटरफेरॉन, तो वही याद रखो, ठीक है। तो जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है जिसमें फिजियोलॉजिकल बैरियर हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें तुम समझ रहे हो इंटरफेरॉन, फीवर समझ गया, इंटरफेरॉन समझ गया, उसके बाद एक तो दिया है कि सिक्रीशन का वैक्स, तो वैक्स में भी वही है, एक तो एसिडिक है, दूसरा हाइपरटोनिक है, तो इसमें भी क्या होगा, बैक्टीरिया का एक्स ऑस्मोसिस होगा, इसी से मर जाएगा बैक्टीरिया। नेक्स्ट देखो, हम लोग देख रहे हैं सेलुलर बैरियर, तो सेलुलर बैरियर में सबसे पहला है इन्फ्लामेट्री, तो इन्फ्लामेशन में देखो इन्फ्लामेशन क्यों होता है, तो कहीं भी चोट लगा तो तुम जानते हो हिस्टामिन रिलीज होगा, हिस्टामिन जब ही रिलीज होगा तो कैपिलरी को डायलेट करेगा, और कैपिलरी में तुम जानते हो पोर्स होते हैं, तो जितना भी मैक्रोफाजेज है, बड़ा बड़ा WBC का सेल है, वो सब क्या होगा, यहाँ जब ही डायलेशन होगा तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, भारत पेट्रोलियम कम हो गया, तो बड़ा बड़ा सेल कैपिलरी के दीवार से सट गया, कैपिलरी से दीवार से सटने के बाद धीरे धीरे उसमें डायपेडेसिस होगा, देखो ऐसे करके बाहर निकला, यहाँ पे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के वाल में होल करके अपना कंटेंट यहाँ डाल दिया, ये हाइपरटोनिक हो गया, अब क्या होगा, एंडोस्मोसिस होगा, एंडोस्मोसिस होगा और ये पैथोजन फट जाएगा, ठीक है, ये पैथोजन फट जाएगा, तो समझ ही रहे हो इसके, ये पैथोजन का सब सिक्रीशन सब निकलेगा, वो सिक्रीशन तुम्हारे बॉडी के लिए ठीक नहीं है, तो एलर्जिक रिस्पॉन्स भी इससे होगा, खुजली उजली होगा, ठीक है, ये सारा चीज़ आता है इन्फ्लामेशन में, ठीक है। तो इन्फ्लामेटरी बैरियर क्या है ये समझ रहे हो। इसके बाद एक था
एनके सेल, ये सब सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में आता है, नेचुरल किलर सेल। नेचुरल किलर सेल में क्या है कि ये बैक्टीरिया है, इसमें एक प्रोटीन है परफोरिन नाम का प्रोटीन। ये परफोरिन प्रोटीन क्या किया, देखो बैक्टीरियल सेल एनवेलप के ऊपर में ये होल क्रिएट कर दिया। अब अगर बैक्टीरिया का अंदर का कंसंट्रेशन हाइपरटोनिक है, अगर है तो हाइपरटोनिक यानी कि कम पानी है, तो ऑब्वियस है इसमें एंडोस्मोसिस होगा। एंडोस्मोसिस होगा तो बाहर से पानी अंदर आएगा, बाहर से पानी अंदर आएगा और बैक्टीरिया फट जाएगा, ये एनके सेल है। इसी तरह का एक सिस्टम तुमको बताया, कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम, कॉपी में देखना, या इसी को कहते हैं ऑप्सोनाइजेशन। इसमें क्या होता है, एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन होता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन पैथोजन के रेस्पॉन्स में आने से, पैथोजन के टच में आने से ये दो पार्ट में टूटता है, C1A, जैसे ये C1 प्रोटीन है कॉम्प्लीमेंट्री वन प्रोटीन, तो C1A C1B ऐसे टूटेगा, ये फिर दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन को तोड़वाएगा, C2 को तोड़वाएगा C2A प्लस C2B। इस तरह से 32 जो कॉम्प्लीमेंट्री ये प्रोटीन है वहाँ तक का प्रोटीन टूटेगा, C32A C32B, इस तरह से टूटा। अब बैक्टीरिया जो आया, उस बैक्टीरिया में क्या किया, ये देखो ये बैक्टीरिया है मान लो, तो बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन पे ये होल किया, होल का रिम जो है वो बनाएगा यही कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन। इस कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन में क्या होगा, जितना भी बी वाला प्रोटीन था C1B C32B, ये जितना भी बी वाला था वो सब अंदर आ जाएगा, और ये रिम जो है वो रिम बनता है ए वाले से। जैसे देखो इतना सेक्शन बना C1A, ठीक है, ये बना, ठीक दिए इसी बात पे, C2A, ठीक है, ये बना C9A, ये बना C32A। कहने का मतलब है कि ए वाला जो पार्ट है वो इसका रिम बनाया, स्टेबल रिम बना, और बी वाला पार्ट बैक्टीरिया के अंदर चल गया। इससे फ़ायदा क्या हुआ, इस प्रोसेस में, एनके वाले प्रोसेस में बैक्टीरिया अगर हाइपरटोनिक है तब मरेगा, इसमें हाइपोटोनिक है तो हम लोग का सिस्टम उसको हाइपरटोनिक बना देगा और तब फिर उसी तरह डेथ होगा एंडोस्मोसिस से, ठीक है। तो ये भी समझ रहे हो ऑप्शनाइजेशन। ऑप्शनाइजेशन में ध्यान रखना है कि तुम्हारे बॉडी का इतना प्रोटीन टूटेगा तो ऑब्वियस है तुमको पेन और पेंसिल भी होगा, ठीक है, बर्निंग सेंसेशन भी होगा, इतना प्रोटीन टूटेगा तो बर्निंग तो होगा ही, इन्फ्लामेशन होगा ही, उतना प्रोटीन टूटेगा तो तुरंत हिस्टामिन वगैरह भी रिलीज होगा, ठीक है, फीवर उवर भी आएगा। तो ये मतलब कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम में ये सारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। ये कभी कभी एग्जाम में पूछता भी है, एक बार वेलोर वगैरह में, हाँ वेलोर में ही पूछा था कि बी स्टिंग करता है तो बी स्टिंग करने के बाद इन्फ्लामेशन होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है और फीवर आता है, ये किस सिस्टम के कारण ऐसा होता है, इननेट सिस्टम का कौन सा सिस्टम इसको जनरेट करता है, तो ऑब्वियस है समझ ही रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया, अब देखो एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे चलते हैं। अब देखो एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हम उसको दो पार्ट में डिवाइड किए, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को दो पार्ट में डिवाइड किए, कौन कौन पार्ट, एक लिखे पैसिव और एक लिखे एक्टिव। पैसिव क्या हुआ, जिसमें बना बनाया एंटीबॉडी तुम डाल दो, बना बनाया एंटीबॉडी में देखो एक लिखे हैं नेचुरल, ठीक है, और एक लिखे हैं एक्वायर्ड, जो हम लोग हासिल करते हैं। हासिल करते हैं क्या, जैसे किसी को सांप काट लिया, तो सांप काट लिया तो इंतजार थोड़ी करेंगे कि देखो सांप का भी एंटीबॉडी हमारा बॉडी बना लेगा 60 से 90 दिन में, तो इंतजार करो 60 से 90 दिन तक अगर जिंदा रहे तो एंटीबॉडी बन जाएगा, तो ऐसा तो इंतजार करोगे नहीं। तो बना बनाया नाग सांप का एंटीबॉडी बना के अपने में इंजेक्ट कर लिए, तो लेबोरेटरी में बनाए तो वो हो गया एक्वायर्ड, ठीक है। तो एक्वायर्ड वाले में क्या क्या आ गया, एंटी वेनम स्नेक के वेनम के अगेंस्ट में, उसके बाद देखो एंटी टेटनस सीरम, टेटनस हो गया या कोई चीज़ से कट गया तो हम लोग उसका सीरम समझ ही रहे हो, ब्लड माइनस क्लॉट, उसमें एंटीबॉडी होता है तो एंटीबॉडी डायरेक्ट लिए। एंटी रेबीज, रेबीज वाला जानते ही हो, कुत्ता काट लिया रेबीज हो गया तब हम लोग एंटीबॉडी लेते हैं। नेचुरल वाले में क्या होता है, जो मदर से डायरेक्ट प्लासेंटा को क्रॉस करके तुम में ट्रांसफ़र होता है, तो ये बीमारी आज तक किसी को हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ, उसका सबसे बड़ा कारण है, बीमारी होगा तब ना तुम जानोगे कि ये बीमारी हुआ,
जितना भी फीटस है मदर के प्लासेंटा को क्रॉस करते हुए, वो फीटस में वो एंटीबॉडी चला जाता है। तुम जानते भी होगे IgG करके एक एंटीबॉडी है, आगे देखेंगे हम लोग, वो प्लासेंटा को क्रॉस करता है। तो इसमें कोई भी डिजीज ऐसा है कि ह्यूमन को हुआ ही नहीं, इसलिए हम लोग जानते नहीं हैं इसके बारे में। काफ़ी मतलब अननोन डिजीज वगैरह है। देखो एक तो डिजीज का नाम इसमें हम लिखे हैं डिस्टेम्पर, ठीक है। ये बीमारी जो है ये हम लोगों में नेचुरल पैसिव एक्टिविटी के कारण नहीं होती है, ठीक है। तो देख रहे हो इस तरह का बीमारी का नाम भी कभी सुने थे, लग रहा है कि डिस्टेम्पर नाम लिख दिए हम, इसे भी लिख देंगे चूना, ये भी बीमारी हो गया, जो लिख देंगे तो सब सही हो जाएगा, कहीं तुमको मिलेगा ही नहीं बुक में, ठीक है। ऐसे ये सही है, ठीक है, विश्वास अगर है तो, नहीं तो हम बोलिए रहे हैं कि गलत हम बोलते हैं। चलो पैसिव हो गया। एक्टिव में देखो, एक्टिव में एक एक्टिव है प्राइमरी एक्टिव और एक है सेकेंडरी एक्टिव। प्राइमरी एक्टिव क्या हुआ, जैसे एक्टिव में देखो, तुम जब बच्चे थे तो तुमको BCG का वैक्सीन पड़ा, DPT का वैक्सीन वगैरह पड़ा। DPT क्या, डिप्थेरिया पर्टुसिस टिटनस, तो मान लो डिप्थेरिया को लेकर चलते हैं, डिप्थेरिया का वैक्सीन पड़ा। डिप्थेरिया का वैक्सीन जिस दिन पड़ा उस दिन देखो, याद करो, या छोटे बच्चे को देखो जिसको अभी पड़ता है, तो जिस दिन वैक्सीन पड़ता है उसमें एक दिन दो दिन तक हल्का फुल्का फीवर रहता है। तो डिप्थेरिया का वैक्सीन पड़ा तो कैसे पड़ा, उसमें भी क्या था, डिप्थेरिया का या तो वीक पैथोजन था या डेड पैथोजन था, वो तुम्हारे बॉडी में एंटर किया। बॉडी में एंटर किया तो ऑब्वियस है कुछ न कुछ डिजीज का सिम्टम वो शो करेगा। वो सिम्टम के कारण क्या हुआ कि फीवर वगैरह हुआ, ठीक है, लेकिन कमज़ोर बैक्टीरिया था तो डिजीज को ज़्यादा प्रोनाउंस नहीं होने दिया, ठीक है। तो डिजीज फिर कुछ दिन में क्या हुआ, तुम्हारा बॉडी जो है एंटीबॉडी बनाना सीख लिया डिप्थेरिया के अगेंस्ट, ठीक है। तो डिप्थेरिया के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना सीख गया, अब तुम उससे इम्यूनिटी तुमको मिल गई, ठीक है। लेकिन अब देखो, अब तुम्हारे बॉडी में डिप्थेरिया का बैक्टीरिया नहीं घुस रहा होगा, ऐसा कुछ है क्या, चारों बगल डिप्थेरिया का बैक्टीरिया है, हमेशा घुसता है लेकिन हम लोग को होता भी नहीं है। तो समझ रहे हो किस तरह का रिस्पॉन्स है। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या हुआ, फर्स्ट एनकाउंटर ऑफ पैथोजन, तो इसमें हल्का फुल्का बीमारी जैसा कुछ कुछ दिखेगा, ठीक है, होगा कुछ नहीं क्योंकि मतलब काफ़ी कमज़ोर या मरा हुआ पैथोजन को इंजेक्ट किया गया है। लेकिन सेकेंडरी में तो तुमको कुछ पता भी नहीं लगेगा कि बीमारी हुआ कि नहीं हुआ। तो ये क्या हुआ, सब्सिक्वेंट एनकाउंटर, तो ऑब्वियस है किसका इम्यून रिस्पॉन्स स्ट्रॉन्गर होगा, सेकेंडरी का। सेकेंडरी में पता भी तुमको नहीं लगेगा बीमारी हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए देखोगे बुक वगैरह में इस तरह का ग्राफ बना हुआ है, ये ऐसे प्राइमरी को दिखाया तो ऐसे सेकेंडरी को दिखाया। तो एक ठो ग्राफ या तो ऐसे बनाओ, दूसरा ग्राफ ऐसे बनाओ, या इसी को जोड़ दो, ठीक है, ये प्राइमरी है तो ये सेकेंडरी है। तो इसको तुम समझ रहे हो, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को समझ पा रहे हो कि ये क्या प्राइमरी क्या सेकेंडरी क्या एक्टिव क्या पैसिव, समझ रहे हो। अब इसमें एक चीज़ है जो हम लोग 11th में ही पढ़ लिए थे, लिम्फोइड टिशू। लिम्फोइड टिशू दो तरह का, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी लिम्फोइड टिशू किसको कहेंगे, जिसमें जर्मिनल सेल के जैसा एक्टिविटी हो, जो डिफ्रेंशिएटेड ना हो। तो देखो जो लिम्फोइड टिशू में सेल बनता है उसको हम लोग कहते हैं लिम्फोब्लास्ट। ब्लास्ट मतलब जर्मिनल सेल, ठीक है। ये जर्मिनल सेल उसको प्रोड्यूस किया, उसके बाद ये जर्मिनल सेल कहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, तो बोन मैरो में और थाइमस में, और यहीं पे दूसरे सेल में उसका ट्रेनिंग हुआ, इसलिए नाम दिए बी सेल टी सेल, ठीक है। अब इसके बाद ये ट्रेंड होने के बाद कुछ जो जर्मिनल सेल था वो और भी दूसरे दूसरे जगह गया डिफ्रेंशिएशन के लिए। डिफ्रेंशिएशन मतलब फंक्शन डिफाइंड करने के लिए, जैसे स्प्लीन में चला गया, टॉन्सिल में चला गया, अपेंडिक्स में चला गया, पेयर्स पैचेज में चला गया, लीवर में चला गया। तो वहाँ पे फंक्शन डिफाइंड कहने का क्या मतलब, जैसे मान लो स्प्लीन में है कोई लिम्फोब्लास्ट, तो वो पैथोजन को कहाँ पे मारेगा, किडनी में मारेगा कि पैर में, खाली स्प्लीन में मारेगा ना, ये डिफ्रेंशिएशन हुआ। फंक्शन डिफाइंड हो गया कि तुमको इतना ही दूर में ऐसे ऐसे पैथोजन को मारना है, ठीक है। तो जहाँ पे ऐसा सेल है उसको कहेंगे सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू, जहाँ पे डिफरेंशिएशन या फंक्शन डिफाइंड हो गया। सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू दो तरह का, गाल्ट और माल्ट। गाल्ट कहते हैं गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, जान ही रहे हो गट मतलब एलिमेंट्री केनाल। एलिमेंट्री केनाल में कौन कौन सा, एक हो गया टॉन्सिल, दूसरा हो गया वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, एक और नाम सुनते हो पेयर्स पैचेज। तो पेयर्स पैचेज याद करो तो कहाँ पे था, इलियम में, म्यूकोसा में था, याद है म्यूकोसा में था। तो म्यूकोसा में था तो उसको गट काहे लिखेंगे, जब हम लोग माल्ट एक ठो अलग नाम बना दिए हैं तो उसको उसी में लिख देंगे, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू में, इसलिए गाल्ट में पेयर्स पैचेज नहीं लिखे हैं,
ठीक है, लिख सकते हो, लेकिन माल्ट तब नहीं लिखना, तब लिख सकते हो, ठीक है। तो माल्ट वाले में बाकी सब लिख दो, स्प्लीन लिख दो, जितना भी मैक्रोफाजेज है वो लिख दो, पेयर्स पैचेज लिख दो, ये सारा उसमें आ गया। अब देखो इम्यून सिस्टम में एक हम लोग देखते हैं टी सेल। तो टी सेल जो है ये फॉरेन सेल के अगेंस्ट काम करता है। फॉरेन सेल में तुम किसी का किडनी छीन के ले लिया, उसके अगेंस्ट काम करेगा। कोई बैक्टीरिया वायरस घुस गया, उसके अगेंस्ट काम करेगा। तो इसको क्या कहेंगे, सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम या रेस्पॉन्स, CMIS, ठीक है। इसमें देखो काम करने वाला सेल को कहते हैं इफेक्टर, और जो खाली याद रखे उसको कहते हैं मेमोरी। काम करने वाला कौन कौन, तो देखते हैं कि करके एक है टी हेल्पर। तो टी हेल्पर जो है इसमें देखो यहाँ ऐसे एंटीना लगा हुआ है, ये एंटीना से रिकॉग्नाइज करता है। ये वॉन्डरिंग सेल है, हमेशा सुपरफिशियल ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में घूमते रहता है। ये रिकॉग्नाइज करता है कि ये सेल हमारा है कि दूसरे का। जैसे मान लो देखो ये हम लोगों का किडनी है, ठीक है। अब हम लोग के किडनी के ऊपर इस तरह का रिसेप्टर या एंटीजन लगा हुआ है, हम लोग का सेल का अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा। अब ये क्या किया, ये टी हेल्पर सेल आया, अपना एंटीना यहाँ लगाया, देखा कि अरे एंटीना तो फिट बैठा, तो ये अपना किडनी है। दूसरे का किडनी होगा तो उसमें देखो इस तरह का रिसेप्टर होगा, ठीक है। यहाँ पे टी हेल्पर आएगा, अब टी हेल्पर आके एंटीना लगाया, बोला कि अरे तो फिट नहीं बैठ रहा है जी, तो फिट नहीं बैठेगा, तो ये तुरंत क्या करेगा, एक तो केमिकल रिलीज करेगा साइटोकाइंस। ये साइटोकाइंस जो है सबसे पहले बी सेल को एक्टिवेट करेगा, ये सब हम 11th में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। बी सेल को एक्टिवेट करेगा, बी सेल जानते ही हो चिमटा वाला सेल सब है, वो दौड़ेगा पकड़ लेगा बैक्टीरिया को या किडनी को इस तरह का, ठीक है। उसके बाद ये एक ठो वो जो कुंभकर्ण बताते थे किलर सेल को एक्टिवेट करेगा। तो तुम काम समझ रहे हो इसका। ये जो रिसेप्टर है इसी रिसेप्टर का नाम है CD4 रिसेप्टर। CD मतलब सेल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। नेक्स्ट जो है टी किलर सेल क्या करेगा, इसमें न्यूक्लिएटेड रिसेप्टर होता है, इसको कहते हैं CD8 रिसेप्टर, ठीक है। ये क्या करता है, ये भी जैसे क्या हुआ, जब ये एक्टिवेट हुआ तो उसी किडनी के पास ये भी पहुंचा, ठीक है। अब किडनी में तुम जान रहे हो दूसरे का किडनी है तो इस तरह का रिसेप्टर है, तो ये किलर सेल क्या करता है, एक बार और चेक करता है कि गड़बड़ ना हो जाए। ऐसा हो सकता है कि कुछ जम उम गया हो किडनी के ऊपर, अपना ही किडनी है, तो क्या करता है, एक ठो सेल को पहले, मान लो ये किडनी का एक ठो सेल है तो इसका मेम्ब्रेन में पहले लाइसिस करेगा। ये सेल का अपना ये मान लो कि न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस को देखा, न्यूक्लियस के ऊपर देखो इस तरह का रिसेप्टर था। अब तुम्हारा टी किलर सेल यहाँ पहुँचा, इसको जब ही मेम्ब्रेन को लाइसिस वो किया तो टी किलर का भी अपना मेम्ब्रेन लाइसिस हो गया होगा। अब ये उसका न्यूक्लियस बचा, न्यूक्लियस के ऊपर देखो ऐसा रिसेप्टर है, ठीक है, ये टी किलर है तो ऐसा रिसेप्टर है तो इस पर फिट नहीं बैठा। अब ये टी किलर समझ गया वो, इसका मतलब सही में ये विदेशी किडनी है, तुरंत क्या करेगा, एक केमिकल साइटोटॉक्सिन यहाँ रिलीज कर दिया। टॉक्सिन जब ही रिलीज किया तो ये हाइपरटोनिक हो गया। हाइपरटोनिक होने के बाद क्या होगा, एंडोस्मोसिस होगा, ये किडनी का सेल फट जाएगा। इसी तरह से लाखों करोड़ों टी किलर सेल एक बार में काम करेगा, 1 से 2 घंटे में पूरा किडनी को चट कर जाएगा, ठीक है। इस प्रोसेस को कह सकते हैं ना ऑप्शनाइजेशन, ठीक है। तो टी किलर सेल कैसे काम करता है समझ रहे हो। इसके बाद तीसरा आता है इफेक्टर में टी सप्रेसर सेल। सप्रेसर सेल क्या करता है, ये पूरे इम्यून एक्टिविटी को सप्रेस कर देगा। तो देखो इम्यून एक्टिविटी में जो तुम अभी देख रहे हो टी सेल या बी सेल, ये कैसे बनता होगा, ये ऐसे बनता होगा C6H12O6 में आग लगा तो धुआं निकला, पानी निकला और एनर्जी बना। इसी एनर्जी से बॉडी का जितना भी एनाबॉलिक एक्टिविटी है वो सब हो रहा है। एनाबॉलिक एक्टिविटी में क्या, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, मस्कुलर सिस्टम, बोन सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम का बनना, उसी तरह एंटीबॉडी का बनना, टी सेल बी सेल का बनना, ये सारा ये चीज है, ठीक है। तो सप्रेसर सेल क्या करता होगा, सप्रेसर सेल क्या करता है, ये ऑक्सीजन कंजम्पशन जो सेल का है उसी को रिड्यूस कर देता है। रिड्यूस जब ही करेगा तो क्या होगा, एनर्जी कम बनेगा तो तुम्हारा ये सब चीज़ जो है वो स्लो हो जाएगा, रेट ऑफ रेस्पिरेशन स्लो, डाइजेशन स्लो, सर्कुलेशन स्लो,
तो ये सब चीज जब भी स्लो होगा तो तुम ऐसे खड़ा रह के मेरे जैसा भाषण दे पाएगा? सीधा गिरेगा, भाई हटाओ ना, छोड़ो, कौन सोते हैं, हटाओ, ठीक है, सो गए तो तुम देखते ही हो, जैसे कफ सिरप पिए या सर्दी खांसी हो गया तो सेट्रिजिन या एविल खाए, वो खाने के बाद बॉडी का क्या एक्टिविटी होता है, समझ रहे हो ना, ड्रॉजीनेस। तो ये काम सप्रेसर सेल कैसे करता होगा, समझ रहे हो? और ये पूरा इम्यून रिस्पॉन्स कैसे कंट्रोल होता है, किस बैक्टीरिया के अगेंस्ट कैसा मिसाइल बनाना है, ये सारा याद रखता है मेमोरी। अब दूसरा आ जाओ, दूसरा है बी सेल। बी सेल को ही कहते हैं HMIS, ह्यूमोरल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। ह्यूमोरल मतलब ह्यूमन का मोरल, और हम लोगों का मोरल क्या है, ब्लड। तो ब्लड मेडिएटेड, तो ये जनरली क्या होता है, ब्लड पॉइजन, ब्लड में जो टॉक्सिन वगैरह होता है, ये टॉक्सिन के अगेंस्ट काम करता है, लेकिन कुछ वायरस के अगेंस्ट भी काम करता है। इसमें भी क्या होता है, मेमोरी सेल इसमें भी होता है, ठीक है, इसमें भी मेमोरी सेल होता है। इसमें जो है मेन इम्यूनोग्लोबुलिन क्लास का एंटीबॉडी, जितना एंटीबॉडी है सब इसी का, ठीक है। इसका प्रोडक्शन बहुत ही फास्ट होता है, प्रत्येक 2 सेकेंड में 1000 एंटीबॉडी बनता है। कोई भी सेल जो है उसमें देखो, ये हेवी चेन है। हेवी चेन कहने का मतलब इसमें एमिनो एसिड का नंबर ज़्यादा है, ठीक है। उसी तरह देखो ये लाइट चेन है। लाइट चेन कहने का मतलब कि एमिनो एसिड का नंबर वहाँ कम है, ठीक है। तो देखो, जब एमिनो एसिड का नंबर ज़्यादा है तो मॉलिकुलर वेट ज़्यादा, तो हम लोग उसका नाम दिए हेवी चेन। एमिनो एसिड का नंबर कम है तो मॉलिकुलर वेट कम, तो हम लोग उसका नाम दिए लाइट चेन। अब इसमें भी क्या होता है कि ये सब आपस में कैसे बंधा होता है, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड से, देख ही रहे हो, डाइसल्फाइड बॉन्ड है ये सब, डबल एस लिखा हुआ है, दो ठो गधा, ठीक है। अब देखो यहाँ कि इसमें क्या होता है, लाइट चेन में ऊपर वाले पार्ट में वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन, और ये नीचे वाला होता है कॉन्स्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन। वेरिएबल रीजन कहने का क्या मतलब, जैसे एंटीबॉडी देखो हम लोग क्या क्या लिखे हैं, IgG, IgM, IgA, IgD, IgE, तो ये सब में कॉन्स्टेंट रीजन मतलब एक सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड होगा सब में, लेकिन वेरिएबल रीजन में सबका एमिनो एसिड का सीक्वेंस अलग अलग होगा, इसलिए वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह देखो यहाँ पे हेवी में, हेवी में भी ऊपर वाले पार्ट में वेरिएबल रीजन है हेवी चेन का, लेकिन नीचे वाले पार्ट में कॉन्स्टेंट रीजन है हेवी चेन का। तो वेरिएबल रीजन कॉन्स्टेंट रीजन क्या होता है, समझ रहे हो? अब देखो ये लाइट चेन में ये वाला पार्ट हेवी में, ये वाला पार्ट हेवी में, ये सब हाइपर वेरिएबल है, ज़रूरत से ज़्यादा वेरिएबल। यही पार्ट जो है वो रिकॉग्नाइज करता है कि एंटीजन को कहाँ पकड़ना है। कहने का क्या मतलब, जैसे तुम ऐसे देखो, जैसे ये मान लो ये एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया का ये रेड वाला पार्ट, ये रेड वाला स्ट्रक्चर जो देख रहे हो तुम, ये रेड वाला स्ट्रक्चर हाइपर एक्टिव है, ठीक है। तो इसको कहते हैं इपीटोप, हाइपर एक्टिव है, ठीक है। और ये चिमटा वाला सेल मान लो मेरा एंटीबॉडी हो गया IgG, ठीक है। इसमें देखो ये जो ग्रीन कलर का हम मार्क लगा रहे हैं, ये हो गया पाराटोप, हाइपर वेरिएबल, समझ रहे हो। ये हाइपर वेरिएबल इस बैक्टीरिया को देखो लाल वाले निशान पे ही पकड़ेगा। तो पाराटोप का काम एंटीजन के ऊपर इपीटोप को रिकॉग्नाइज करना और उसी इपीटोप को होल्ड करना, पकड़ना बैक्टीरिया को इस पार्ट से, ये है पाराटोप। तो हाइपर वेरिएबल रीजन या पाराटोप IgG में कहाँ कहाँ होता है, समझ रहे हो ना, दो ठो लाइट चेन में होता है, दो ठो हेवी चेन में होता है। जैसे IgG देख रहे हो तो इसमें दो ठो हेवी चेन, दो ठो लाइट चेन, तो नाम देंगे H2L2, टू हेवी टू लाइट, IgG, समझ रहे हो। IgG का नंबर जितना भी इम्यूनोग्लोबुलिन है उसमें सबसे ज़्यादा, IgG प्लासेंटा को क्रॉस कर सकता है। IgG में ऑप्सोनाइजेशन होता है, ऑप्सोनाइजेशन कहने का मतलब बैक्टीरिया में होल करेगा, वहाँ पे लाइसिस होगा, अंदर पानी घुसेगा, बैक्टीरिया फटेगा, वो सारा चीज़, ठीक है। इसके बाद देखो दूसरा हम लोग देखते हैं IgA। ये क्या है, ये डाइमर है, ये जंक्शन बॉक्स है, ये सिक्रिटरी जितना भी पार्ट है बॉडी का वो सब में IgA होता है। इसमें वो IgG टाइप का दो ठो चिमटा वाला सेल, समझ रहे हो, जितना भी सिक्रीशन उसमें होता है। तीसरा है IgMu या IgM लिखते हैं, ये डेरोगेटरी है, एक्चुअली म्यू कहा जाता है। ये पेंटामर होता है, तो जंक्शन बॉक्स है,
पांच ठो चिमटा वाला सेल होगा, इस तरह का पांच ठो चिमटा वाला सेल हुआ इसमें, ठीक है, पांच ठो चिमटा वाला सेल। ये किसी भी इन्फेक्शन में फर्स्ट टू रीच एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, पहला साइट ऑफ इन्फेक्शन पे पहुंचने वाला एंटीबॉडी यही है, ठीक है। उसके बाद देखो आईजीडी, आईजीडी जो है ये बाकी जितना भी एंटीबॉडी है उसके प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। आईजीई क्या है, एलर्जिक कुछ भी चीज़ होगा उसके अगेंस्ट इसी का रिस्पॉन्स होगा। ये दोनों का फिगर बिल्कुल आईजीजी के जैसा, ठीक है। तो आईजीई जो है कोई भी एलर्जी कोई भी इन्फेक्शन होगा तो यही एक्टिवेट होता है। तो मान लो कभी पूछेगा कि कोई आदमी ए ब्लड ग्रुप का है उसको बी ब्लड ग्रुप चढ़ाए, तो बोलिए बी ब्लड ग्रुप वाले आदमी के बॉडी में सबसे पहले कौन सा एंटीबॉडी बनेगा, ये एलर्जी के अगेंस्ट एलर्जी ही हुआ ना, ए वाले आदमी को बी वाला ब्लड दे रहे हैं तो एलर्जी है, ठीक है। कोई पूछेगा कि फीटस को सबसे पहले, फीटस के बॉडी में सबसे पहले कौन सा एंटीबॉडी बनेगा, तो फीटस के बॉडी में मदर से आईजीजी पहुंचता है, मदर के बॉडी से। लेकिन पूछ रहा है बनेगा, तो फीटस के बॉडी में एंटीबॉडी क्यों बनेगा, कोई एंटीजन आएगा तब ना, और एंटीजन कोई भी आएगा तो फर्स्ट टू प्रोड्यूस या फर्स्ट टू रीच एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन कौन, आईजीएम, तो आईजीएम सबसे पहले बनेगा, ठीक है। देखो एंटीबॉडी में एक आईजीजी है और दूसरा आईजीएम है, ये दोनों जो है ये दोनों ऑप्शनाइजेशन शो करता है, ठीक है। तो अभी इतना समझ रहे हो, एक ठो और आधा घंटा का वीडियो कल डालेंगे उसमें हम, या आज भी देखते हैं अगर नेट ठीक रहा तो डाल देंगे, उसमें हम देखते हैं इसको ख़त्म करेंगे और कैंसर को डील कर देंगे, ठीक है।